हाँ देख लीजिए, मिठाई पे भीड़ काफी ज्यादा है दोस्तों, और कोई दुकानदार फ्री नहीं है, मतलब कुछ मतलब बात करने के लिए। यहाँ देख लीजिए, सब कोई अपने आप में बिजी है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई पैसा ले रहे हैं, और हम कुछ देर वेट करते हैं। जैसे ही ये लोग फ्री होते हैं, हम इन लोग से भी बात करते हैं कौन सा मिठाई का क्या रेट है। और मिठाई का स्टॉक आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से खाली होते जा रहा है, भराते जा रहा है, और मिठाई तुरंत ही तुरंत बिक जा रहा है। और भीड़ आप लोग देखकर समझ ही सकते हैं, सुबह से मिठाई ऐसे ही भीड़ में बिक रहा है, और कल तो और ज़्यादा भीड़ में बिकेगा। यहाँ आप लोग को हर तरह का स्वीट्स मिल जाएगा, और क्राउड देख लीजिए, सब कोई आए हैं स्वीट्स खरीदने के लिए, और हर वैरायटी का आप लोग को मिठाई मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम आए हुए हैं भीखना पहाड़ी में, और आज का जो ब्लॉग बनाने वाले हैं बहुत ही खास आज का ब्लॉग बनने वाला है। अभी हम बनाने वाले हैं राहुल बिहार स्वीट्स, और पहले यहीं पे दुकान था, और अभी ये दुकान आगे जा चुका है क्योंकि यहाँ पे मकान बन चुका है। तो अभी ये टेंट लगा के यहीं पे अपना पूरा जो भी मतलब मिठाई बेचते हैं, पूरा टेंट लगा के यहाँ पे मिठाई बेच रहे हैं। और कल है रक्षाबंधन, और सब कोई देख लीजिए रक्षाबंधन का मिठाई खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक से एक मिठाई रखे हैं, रेट भी बहुत ही सही रखे हैं, जेन्युइन रखे हैं। चलिए हम दिखाते हैं किस किस टाइप का मिठाई है, क्या रेट है, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। यहाँ आप लोग कस्टमर लोग का क्राउड देख के समझ सकते हैं, सब कोई आए हैं मिठाई खरीदने के लिए, और कल है रक्षाबंधन, और दिन में भी भैया धूम मचाने वाले हैं। और सामने में आप लोग को दिख जाएगा राहुल बिहार स्वीट, यहाँ शादी पार्टी फंक्शन में भी ऑर्डर लेते हैं। और चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। यहाँ आप लोग को हर तरह का स्वीट्स मिल जाएगा, और क्राउड देख लीजिए, सब कोई आए हैं स्वीट्स खरीदने के लिए, और हर वैरायटी का आप लोग को मिठाई मिल जाएगा। और मिठाई ये जो बनने का काम जो है, तीन दिन से रात भर काम जोरों शोरों से चल रहा था, और आज मिठाई बनकर पूरा तैयार हो चुका है। इधर सोन पापड़ी रखा हुआ है, ये हो गया सूखा आइटम नहीं, और उधर हो गया लड्डू, और वो हो गया क्रीम केक, और इधर भी बहुत तरह का मिठाई रखा हुआ है। और यहाँ कस्टमर लोग का क्राउड देख लीजिए, कोई भी दुकानदार यहाँ पे फ्री नहीं है, और यहीं पे तौल के पैक करके डब्बा में दिया जाता है, और नीचे पूरा डब्बा का स्टॉक आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए सब कोई मिठाई खरीदने आए हुए हैं, और चलिए कुछ और आगे काम भीड़ दिखाने का प्रयास करते हैं। 500 यहाँ देख लीजिए, मिठाई पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, और कोई दुकानदार फ्री नहीं है, मतलब कुछ मतलब बात करने के लिए। यहाँ देख लीजिए, सब कोई अपने आप में बिजी है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई पैसा ले रहे हैं, और हम कुछ देर वेट करते हैं। जैसे ही ये लोग फ्री होते हैं, हम इन लोग से भी बात करते हैं कौन सा मिठाई का क्या रेट है। और मिठाई का स्टॉक आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से खाली होते जा रहा है, भराते जा रहा है, और मिठाई तुरंत ही तुरंत बिक जा रहा है। और भीड़ आप लोग देख समझ ही सकते हैं, सुबह से मिठाई ऐसे ही भीड़ में बिक रहा है, और कल तो और ज़्यादा भीड़ में बिकेगा। चलिए कुछ और आगे काम भीड़ दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। इसको क्या 220, इसका 320, और इसका क्या रेट है? 200 रुपए के जी है। और ये 280, और लड्डू 200, और ये लड्डू ये है आपका 420, और ये क्या कौन मिठाई है? ये नारियल पोहा, क्या रेट आएगा इसका? 400 रुपए के जी। और इसका 360, और ये सेमी है। ये सब कौन सा मिठाई हो गया? क्रीम छेना 360 रुपये, जो भी क्रीम छेना है 360 रुपये नहीं। और ये क्या हो गया? पेड़ा मेरा ये 420 रुपये, 420 रुपये। और ये मिठाई का क्या नाम हुआ? इसका क्या रेट है? इसका 200 पीस के हिसाब से 12 रुपये पीस, 12 रुपये पीस। और ये लड्डू का क्या नाम हुआ? गोल मिठाई, गोल मिठाई। अच्छा, इसका क्या रेट आएगा? इसका 400 रुपये के जी। इधर हो गया दोस्तों क्रीम चप, जो भी आप लोग क्रीम चप देख रहे हैं, आप लोग को आने वाला है 360 रुपए क्रीम चप आएगा। हाँ सर, 360 रुपए की है राहुल बिहार स्वीट। अच्छा, बिकना पानी मोड़ पर। और काजू बर्फी का एक लास्ट रेट बता दीजिए। 900 रुपए लास्ट रेट, 900 रुपए। हाँ सर। अच्छा, और ये पेड़ा हो गया नहीं? हाँ सर। और ये पेड़ा का क्या रेट हो गया? 4.5, 4.5, 4.5। हाँ सर। अब सब बन गया, खाली अपना ऑन कर दीजिए, ऑन करना है, वो लगे ले रहिए ना लीजिए ना, और आगे चल अगले बार 10 का इतना बिजी है दोस्तों, देख लीजिए। अभी कस्टमर लोग का क्राउड इतना ज्यादा बढ़ गया था, कुछ बता नहीं पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे। कितना बजे दुकान खोल दीजिएगा कल सुबह में? कल सुबह यही लगभग लगभग 6 बजे, 6 बजे खुल जाएगा। हाँ, रात में कितना बजे तक? रात कल 8-9 बजे तक, 8-9 बजे। आज पूरा धूम मचा लिया, आज बहुत आदमी खरीदारी किए, इतना दिन भर
ठीक ठाक अच्छा कल का देखा जाए रिस्पॉन्स क्या रहता है। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों पूरा तरह का मिठाई जैसे ये खाली होता है भरते जाता है। दोस्तों आप लोग आइए सरकारी की रेट भी बता दिए आप लोग को और चलिए कुछ और आगे अभी यहाँ से 320 रुपया एक मिठाई करके टेस्ट करके चलिए एक दो मिठाई खा के आपको टेस्ट बताते हैं यहाँ का। तो हमारे खोवा भी मंगावे पड़ता हो तो फाइनली दोस्तों मिठाई मिली है पेड़ा लिए है क्रीम चप लिए है और इधर मिल्क केक लिए है। चलिए खा के आपको टेस्ट बताते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं क्रीम चप। राजू भाई तू तो 500 में काट 10 रुपया चलो पकड़ो। बहुत ही टेस्ट सही है खटापन का स्वाद बहुत भी नहीं आ रहा है। और इनको हम कल रात में देखे थे पूरा कारीगर और रात में 20 रुपया मिठाई गोदाम में बनाए थे। तो आप लोग यहाँ जरूर आके पूरा मिठाई ताजा है। अब हम ट्राई करने वाले हैं पेड़ा। पेड़ा भी आपको पास से दिखाना चाहेंगे। देखिए पूरा कल रात अमेजिंग थे। अब लास्ट हम ट्राई करने वाले हैं मिल्क केक। बहुत सही लगा। अगर आप भी लोग मिठाई खरीदना चाहते हैं तो जरूर आइए यहाँ पे। और चलिए हम कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं आप हमारे चैनल पर। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अच्छा अच्छा ब्लॉग कमेंट लोग से जरूर बताइएगा भाई यही जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए। फाइनली हम जगह का ब्लॉग बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बाय। और हाँ करते हैं अगर आप मिठाई खरीदना चाहते हैं जरूर आइएगा पहाड़ी आपको देख लीजिए। और मिठाई बोलते जो ना हम सब लोग हाँ हाँ 88 रुपया 88 रुपया अपने छोटे भाई को दीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बाय। और हाँ।